24 को गए थे वो घर से, 25 फरवरी को गोली लगी थी। स्कूल गए थे बेटी की फीस जमा करने के लिए, वहाँ से आ जाते में दंगे होने लगे थे, वहीं रुक गए थे करदमपुरी में। दूसरे दिन आ रहे थे वो जब गोली लगी थी। 5 मिनट पहले वीडियो कॉल की थी उन्होंने, उधर से खुद ही में बात की थी, बेटी को देखा था, छोटी वाली काफ़ी छोटी थी वो। फिर मैं कुछ काम करने लगी थी, थोड़ी देर के बाद किसी ने मुझे बताया था उनके गोली लग चोट लग गई है, इस तरह से बताया था। मैं कहा नहीं, मैंने अभी बात की है उनसे। फिर मैंने दोबारा जब कॉल किया तो किसी और ने उठाया था, लेडीज ने, किसी बोली इनके गोली लग गई है, लेकिन ये नहीं बताया था कि ख़त्म हो गए हैं। बोली टांग में लगी है, बात अभी ठीक है, लेकिन 5 मिनट के बाद ही ख़त्म हो गए थे वो गोली लग गई। वेल्डिंग की दुकान थी उसकी, साइड पर गया हुआ था, उनके अब्बू भी यहीं काम कर रहे थे। फिलहाल मैं तो थी नहीं यहाँ पर, मैं वजीराबाद गई हुई थी, तो अपने अब्बू से कह के गए थे कि मैं तुम्हारा काम निपटाऊँगा आज ही, अब मैं साइड पर से मशीन ले आऊँ बस। उसके बाद में फिर गोली लग गई इसके। मेरे बच्चे का नाम अशफाक हुसैन है, वो इलेक्ट्रॉनिक था, लाइट का मिस्त्री था, बढ़िया कारीगर था, लैपटॉप का कारीगर था, मिस्त्री उसका कारीगर था, पढ़ भी रहा था, काम भी सीख रहा था, काम भी कर रहा था, वो सारे ही काम करता था। वो 3:30 बजे मेरे पास जो रोटी खा रहा था, जो बच्चा मेरे पास रोटी खा रहा हो, उससे पहले हम गांव में थे, गांव में उसकी मैं शादी करके आया था। शादी के बाद वो अपना किसी की कॉल आई होगी कि अब तो आ गया तू शादी करके, हाँ मैं आ गया, कि मेरा कोई काम पड़ा है लाइट का, ये कर जाओ। अब 25 तारीख को ही मैं गांव से आया था, तो मैंने पुलिस फोर्स वो वगैरह देखी थी बाहर, तो मैंने कि अब तो कुछ होने का मतलब ही नहीं है, कोई फिसाद हो जाए या किसी तरह का अटैक हो जाए। अब उसके बाद जो है, जब मैं घर आ गया तो मैंने उससे कुछ ऐसी, मैंने कि बेटा तुम मत जाना उधर, कि ठीक है पापा हम काय जा रहे हैं। तो वो यहीं यहाँ से 4:30 ऐसे कॉल आई है, उससे मुझे उसके मरने से जो है, जब मैं गांव से आया गाँव तो उसके बाद पता लगी है, वहाँ से कॉल आई। कॉल आने के बाद जो है, मैंने कहा अच्छा वहाँ काम पे गया था, तो वहाँ पहुँच नहीं पाया। वो यहीं जो है, चारों तरफ से लोग जो देश के दुश्मन हैं, वो उन्होंने घेरा उन्हें और मस्जिद में आग लगा दी। 26 फरवरी के करीब 2:30 बजे निकला घर से चौमिन लाने के नाम पे, पोस्ट ऑफिस गोखलपुरी पोस्ट ऑफिस वाले गली में, उसको जो है सांसू गैस के पुलिस वाले गोला सर में मारा, और उसी टाइम किसी को जाने नहीं दिया, पुलिस वाले लेकर हॉस्पिटल चला गया। इतना मुझे समझ में आता है कि वही हॉस्पिटल में छोड़ा। उसके बाद मैं ढूंढता रहा, मुझे पता नहीं लगा। 9 बजे रात को मैंने ढूंढा हॉस्पिटल में जाके अपने आप। इससे पहले मैं गोखलपुरी थाने में रिपोर्ट लिखाया, रिपोर्ट लिखाने के बाद मैं हॉस्पिटल गया, तो वो मिला मुझे करीब करीब 9 बजे रात में। तो वहाँ पे वैसे इलाज उलाज चल रहा था, पानी उनी, लेकिन ढंग से देखने वाला नहीं था उसको। वो कह रहा था खून चढ़ेगा, मैंने खून भी मंगवाया, खून चढ़ाने में डॉक्टर आया नहीं, वो 2 बजे रात को खून चढ़ाने लग गया, 2:30 बजे रात, 3 बजे तक वो डेट कर गया, 3 बजे तक। बड़े का नाम आमिर खान, छोटे का आसिम, आसिम अली। रात को जो हमारे कॉल के बाद हमारे बच्चों ने कॉल नहीं उठाई, हमें बेचैनी सी हमारे बच्चे को हुई, हमारा बच्चा भाग फिरा उसके पास जो लास्ट कॉल करी थी, उसके बाद में सुबह को हो ही नहीं, तो वो क्या नाम है, सुबह को फिर गए थाने को गए बस। परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी है, बेटियों के एडमिशन भी कराने हैं, 2 ही बेटियाँ जा रही हैं अभी स्कूल, जो मदरसे जाती थी 2 बेटियाँ वो भी घर पे ही हैं अभी, काफ़ी दूर था, बरेली में पढ़ती थी ये दोनों, तो इतनी दूर अब भेज नहीं पाऊँगी, क्योंकि उनके पापा की जिम्मेदारी थी लाने की ले जाने की। उनकी पढ़ाई में परेशानी है, क्योंकि कोई कमाने वाले हैं नहीं, देवर है उनकी भी फैमिली है, वो 15,000 रुपये महीना देते हैं खर्च के लिए, उसमें सारे खर्चे होते हैं। परेशानी परेशानी है बस, और क्या है, इनके अब्बू इतने भी मार रहे हैं, मैं जब से वो ख़त्म हुआ कुछ ना होता ही रहा है। अभी उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है कि 1 महीना मुस्तकिल पलंग पे पड़े रहें, ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं।
मेन काम तो हमारा वही था, वेल्डिंग का ही। और जो वही नहीं रहा तो फिर कारोबार ही बंद है, क्या है भाई। वो जब थे तो मतलब हमारी लाइफ सही चल रही थी, मतलब उन्हीं को ऊपर था, कमाई भी अच्छी थी उनकी, पूरे घर को चला रहे थे वो, यहाँ का किराया भी वही देते थे और अपने, हाँ किराए का मकान नहीं, और अपनी दुकान का भी वही भरते थे। मतलब हमें किसी बात की उन्होंने परेशानी नहीं आने दी, जहाँ तक है अकेले ही कमाने वाले थे। मुझे भी उन्होंने गाड़ी दिला रखी है, मेरी गाड़ी वो आज भी यहीं पर खड़ी है, उन्होंने ही दिलाई थी, हमने उसको बेची भी इसीलिए नहीं क्योंकि उनकी आखिरी निशानी यही बची थी। एक स्कूटी दिलाई थी उन्होंने, वो भी आज ही ऐसी खड़ी है। मतलब हमें किसी बात की परेशानी नहीं आने दी उन्होंने, जब से वो गए ना तो भाई हम इधर से इधर ही मजदूरी करते फिर रहे हैं। आप ये दुकान 28 साल हो गए, ये बच्चों के पैदा होने से पहले इसी से परिवार चल रहा था। अब पहले जैसे खर्चे नहीं रहे या पहले जैसी मेरी ताकत नहीं रही। अब से साल और पहले मैं खुद करता था इस काम को, इस काम में मैं 1,000-5,600 रुपये कमा लेता था। आज ये काम मुझसे छिन गया है, कोई सब्जी और ला के दे देता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं मंडी जाके रक्से में सामान ले आऊं, मेरी तवानाई कम हो चुकी है बेटे के मरने से। उससे पहले कोई परेशानी ना थी किसी भी चीज़। 3 बेटी उसकी हैं, 3 बेटी मेरी हैं, 3 बेटी मेरे देवर की हैं, 9 बच्चे हैं, लड़की है मुझे। हाँ भैया ऐसे ही करा, ये किया मेरे पास डांट रहा, कोई 20-22 साल का, उसके जरिए ये बीमार पड़े, कभी कर लें बच्चों के साथ, कभी अपने बैठे ना। कौन है, कौन सहारे वाला, हमारे तो कोई है भी ना। अब ये बच्ची हैं, बताओ इन बच्चियों को कहाँ से करें, ये बूढ़े ऐसे ही बैठे ना, अब ये इन बच्चियों को कहाँ से करेंगे बता। 10 लाख इन बच्चियों को क्या अहमियत रखते हैं, है इतना कमा रहे जब उनके ना है। कौन सी हमारी सरकारी नौकरी तो है नहीं किसी बच्चे की। 5 लाख मिले थे सरकार की तरफ से, अब बहुत असर पड़ा है बच्चों में। ये खेलना भी कम हो गया है, बोलने भी कम, चिड़चिड़े से, जो ख्वाहिश वो पूरी करते थे वो बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रही है फैसिलिटी, तो बच्चे परेशान भी रहते हैं। याद तो हाँ भाई, ये क्या हुआ है, कारोबार उसका अच्छा था, अच्छा कमाने वाला था खूब। दुकान का तो मुझे पता नहीं था, मैंने दुकान की कोई कंप्लेंट नहीं करी थी क्योंकि मैं तो इसी उम्मीद पे था मेरी दुकान में सब कुछ हैगा। मैं तो 3 हफ्ते के बाद मैं गया था तो मुझे दुकान खाली मिली, तो फिर मैंने उसकी कंप्लेंट भी नहीं कराई दुकान की, ना ही दुकान का मुझे कोई मुआवजा मिला। मुझे बस वही मिले थे मेरे भाई के 10 लाख रुपये जो केजरीवाल ने दिए थे, वही मिले थे। उसके बाद में DFY की जो है ना CPM वालों ने, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपये दिया। जिंदगी तो ख़त्म ही हो गई, अब जिंदगी में क्या रखा है, अब से पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में तो जमीन आसमान का फर्क है, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता, न इसे पहले जैसी जिंदगी अब कोई वापस ला सकता है। जो भी हम अपने शादी में जैसा भी अपना मैंने बेटा बेटी की शादी करी थी, जो भी मेरे जिस्म से कपड़े उतरे उसकी शादी के और ब्याह के, आज तक वो हर चीज ऐसे ही बंद पड़ी है। किसी भी मेरे बच्चे ने अभी तक कोई भी चीज़ अपने जिस्म पे या मेरी घरवाली ने, मेरे बच्चों ने, किसी ने अभी तक वापस ब्याह शादी की कोई भी चीज़ अपने जिस्म पे ना लगाई। अब ये खुद ही तुम लगा लो कि जो चीज़ जो खुशियाँ थीं 8-7 दिन में, जो खुशियाँ चल रही थीं, जो दावतें चल रही थीं, उस घर में क्या हाल होगा और क्या मातम होगा। आज भी किसी भी तरह की हम खुशी नहीं कर सकते। ए भैया वैसे जिंदगी क्या हो है, उससे क्या हो है कि हमारे बच्चे इतना ही कमाते क्या, वो हमें ना चाहिए मुआवजा। हमें तो अल्लाह बस ये है कि इन बच्चों की खातर जो भी है करना पड़ा है, नहीं हमें ना चाहिए मुआवजा उवजा, हमें तो अपने बच्चे सवाल चाहिए। हर टाइम उनकी ज़रूरत ही महसूस होती है, हर पल कभी कमी महसूस होती है। बच्चों की शक्ल देखती हूँ तो वो हर वक्त अब्बू अब्बू कहते हैं, रोते रोते भी अब्बू कहते हैं। बहुत तकलीफ होती है, दिल में चुप हो जाते हैं, फिर भी बच्चों की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सरकार ने जो घोषित किया 5 लाख रुपये तो मुझे मिला,
लेकिन पुलिस क्या कहा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी गलत बनाए पुलिस वाले ने, क्राइम ब्रांच भी आए थे जांच करके यहाँ से गए, क्या बनाए क्या नहीं जो दूसरे को दिखाता हूँ तो कह रहे हैं ये गलत रिपोर्ट बनाया हुआ। जांग तो जांग में गोली, अरे एक ही गोली लगी थी, जांग में गोली लगने से तो इंसान ख़त्म नहीं होगा, चाहे तुम यहाँ पे 3-4 गोली और मार दो, तो एक ही गोली लगने पर वो यहाँ से ज़िंदा गया, जो उठा के लेके गया उनने, मैंने उसके बयान दिए तो उनने कहा कि मैं ज़िंदा लेके गया था, और फिर मैंने अस्पताल में मालूम करा तो अस्पताल में ही मुझसे बताया गया कि यहाँ पर वो ख़त्म हुआ हुआ आया था। जांच में मैंने पूछा कि मेरी चार्जशीट क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा कि इस केस में कोई अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ है, कहाँ से दे मैं चार्जशीट, 1 साल पूरा होने को आ गया कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने उनसे ही पूछा कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है, कि 1 साल पूरा हो गया है कि तुमने करा क्यों नहीं, तो कहे कि हम अपने तरीके से चलाएंगे, तुम्हारे तरीके से चलाएंगे इस केस को। कोई कैसी इतला कोई नहीं हुआ, उन्होंने चार्जशीट बना के जमा कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, पांचों के नाम लिख दिए, यहाँ कोई भी पुलिस का आदमी अभी तक इस सिलसिले में नहीं आया कि भाई आपका बेटा चला गया है और हमने वो जालिम पकड़े हैं या उन जालिमों को हम सजा दिलाएंगे, आप घबराओ मत। सिर्फ वहीं बुलाया है एक दो बार, बाकी और इसमें पुलिस न कोई ऐसा अभी कोई इस तरह की शक्ति नहीं है पुलिस की तरफ से जो होनी चाहिए थी, जो काम होने चाहिए थे, भाई ये मौका मिल रहा है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए भैया, अपने बच्चों को इंसाफ चाहिए। उसके अब्बू हमेशा कहते थे कि डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चों को मैं, तो जितनी हो सकेगी कोशिश मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, बस जितना हो सकेगा मेरे से। सरकार से यही चाहती हूँ मुझे जॉब मिल जाए ना, तो मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूँगी, हर छोटी मोटी ज़रूरत भी पूरी कर सकूँगी उनकी। और परेशानी कब तक माँ बाप साथ देंगे, हर चीज़ होती है बोलने के लिए कहने के लिए। मेरे शोहर को जिसने भी मारा है जैसे मारा, बस उनको सज़ा मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहती, सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी जो भी ये कांड करे, जैसा भी कुछ भी करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए बस। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो मेरे बेटे की इंसाफ है वो इंसाफ मिले। चार्जशीट मैंने वहाँ क्राइम ब्रांच से पता करा तो कह रहे चार्जशीट बनी नहीं है तुम्हारे, अब किसने कौन सी पुलिस वाले ने मारे हैं वो भी नहीं, उनसे मिलने भी नहीं दिया मेरे को ना, मैं ढूंढता हूँ कि वो मिले, मैं पूछूँगा कि मेरा बेटा क्या गलती किया था, आपने क्यों मारा। मुझे सिर्फ इतना पूछना था उनसे कि सर मुझे अगर कहते हैं आंसू गैस गोला छोड़ते हैं पब्लिक को भगाने के लिए, मेरा लड़का तो चौमिन खाने गया था और वो भी उस दिन झगड़ा शांत था, तो उस दिन क्यों उसको सर में मारा, मैं इतना पूछना चाहता हूँ उनसे। कानून से बस यही दुआ है कि किसी के दबाव में काम न करें, अपने कानून का कानून के दायरे में रह के काम करें, वह अपनी फोर्स से ये तो नेता हैं, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम किसी के कानून मत गुलाम मत बनो। अगर कानून हमारा कानून के हिसाब से काम करे तो कोई बुरा काम कर नहीं पाएगा दुनिया में किसी की, या हिंदुस्तान में कहीं भी किसी की इतनी ताकत नहीं है जो कानून से ऊपर अपना काम कर ले। वह कानून तमाशा देखता रहता है, लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब उसका एंड होता है, जब ईश्वर अल्लाह की मार पड़ती है, जब वो ये कहता है कि मैंने ये क्या कहा।